की मौजूदगी तो थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जवान आज की तारीख में जो नई गैलरी है उसमें पीछे की तरफ रहते हैं और आगे की तरफ गैलरी जो है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है जिससे कूदना जो है इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुरानी गैलरी में आप देखिए तो सीधे आप फ्लोर के ऊपर हुआ करते थे, लकड़ी का आपको घेरा होता था। नई गैलरी की बात करें तो स्टील कवर्ड है और पूरी तरह से एक हाइट भी है, और यहां तक कि गैलरी से नीचे की तरफ देखें जहां सांसद बैठते हैं उसके बीच की भी दूरी काफी ज्यादा है, यानी आसान नहीं है कूदना। और इसीलिए आप देखिए कि पहले जंप नहीं किया उन्होंने, पहले वो सीधे लटके और उसके बाद उतर गए जैसा कि सांसद बता रहे हैं, और फिर वहां पर इसी गैस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी तरह से आप देखिए तो जो जीरो आवर चल रहा था उस दौरान संसद भवन के परिसर के भीतर यानी उस हॉल के भीतर जहां पर संसद की कार्यवाही चलती है, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, उसमें उन्होंने इसे पुल किया। फिर आपको दिखाऊं मैं, वायर पुल करने वाला यह है कलर मधुरेन, यहां से वायर इसका पुल किया जाता है और उसके बाद ये कलर छोड़ता है। ये कितना खतरनाक है इसके वार्निंग से आप समझ सकते हैं। मधुरेन, इतनी बड़ी स्मोक स्टिक को अपने जूतों में छिपा कर ले जाना सुरक्षा कर्मियों को कुछ ऐसा मान्य नहीं लगा? उस इमारत में जो देश की सबसे सुरक्षित इमारत कही जाती है, उस इमारत में जहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है, देखिए बिल्कुल सुरक्षा में तो बड़ी चूक है, ये बात हर सांसद कह रहा है, ये बात यहाँ तक कि ऑफ रिकॉर्ड सुरक्षा कर्मी भी कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लंबे समय तक आप खुद भी संसद भवन में रहे हैं और आपने कार्रवाई को देखी है कि सुरक्षा में खासतौर पर फ्रिस्किंग में बॉडी की फ्रिस्किंग होती है, आपके गैजेट्स की फ्रिस्किंग होती है, यहाँ तक कि मोबाइल अगर अलाउड नहीं है तो मोबाइल नहीं दिए जाते हैं, और साथ ही आप समझिए कि भीतर दाखिल होने के साथ ही लगभग 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। नई संसद की बात करें जिसमें सब कुछ हुआ है, तो यहाँ तक कि नई संसद भवन के परिसर में भी जाने के लिए लगभग 3 बार सुरक्षा से गुजरना पड़ता है, और यहाँ पर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर जूते के भीतर ये शूज है, अगर इसके भीतर इसको पुल करके रख लिया जाए तो जाहिर है कि शूज की फ्रिस्किंग नहीं होती, लिहाजा इसे ले जाना संभव हुआ होगा, क्योंकि बॉडी के अगर ऊपर के पार्ट की बात करें तो बॉडी के ऊपर के पार्ट में कहीं भी आप देखिए तो पूरी फ्रिस्किंग होती है, पॉकेट की फ्रिस्किंग होती है, पूरे आप देखिए तो बॉडी की फ्रिस्किंग होती है, लिहाजा इसको लेकर जाना अगर आप जूते में देखिए तो निश्चित तौर पर आसान हुआ होगा, और यहाँ शूज में पुल करके इसे ले गए होंगे और तभी यह संभव हो पाया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेल जो कि आप समझिए कि इसकी साइज लगभग आप समझिए कि हमको लगता है कि हैंड पुल कर सकते हैं आप, मुट्ठी में आ सकता है, तो मुट्ठी में भी आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है। बिल्कुल आप समझिए कि वो शूज में लेकर जाहिर तौर पर उसे ले जाने में कामयाब रहे होंगे, और ऐसे में आपको प्रदर्शन के अपने अपने तरीके होते हैं, प्रोटेस्ट के अपने अपने तरीके होते हैं, और ये जो तरीका है वो अपने आप में बता रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद के भीतर जाकर अपने प्रदर्शन को करने और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए विरोध के ऐसे नमूने को प्रदर्शित किया जो न सिर्फ संसद की सुरक्षा पर आंच के तौर पर देखा जाना चाहिए, न सिर्फ संसद की सुरक्षा में चूक के तौर पर देखा जाना चाहिए, बल्कि एक तरह से देखिए तो भारत के सबसे बड़े संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े आवरण के भीतर जहां सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और व्यवस्था होती है उसमें घुसकर इस तरह से अपने आप को प्रोटेस्ट करना। देखिए गैलरी से सिर्फ कूदने वाली बात होती तो समझ में आता है कि संसद का पास लिया आपने और प्रोटेस्ट करने के लिए गैलरी से नारे लगाए और आप कूद गए। हम जानते हैं अनुराग, आप जानते हैं कि किस तरह से संसद की गैलरी का पास लेने के लिए एक एक व्यक्ति की पूरी शिनाख्त। मधुरेन में आऊंगा आपके पास कुछ और जानकारी आप जब तक जुटाइए, लेकिन हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार क्राइम को कवर करते आ रहे हैं कई दशकों से। रुमान, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जिस सांसद के नाम पर पास बना है वो सांसद कर्नाटक के हैं, जिस महिला को हिरासत में लिया गया है वो महिला हरियाणा की है, क्या कोई और साजिश भी हो सकती है? क्या इस एंट्री पास में कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है? देखिए बिल्कुल एक बड़ी साजिश हो सकती है क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया संसद के बाहर और संसद के अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चूक के लिए सभी वो एजेंसियां जिम्मेदार हैं जो कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, क्योंकि कहना बिल्कुल गलत है कि साइज छोटा था या जूते में छुपा कर ले गए, क्योंकि जो वो जो कलर स्मोक का जो सिलेंडर है वो उसमें कहीं ना कहीं मेटल का इस्तेमाल जरूर है और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद के अंदर जो सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं वो बहुत आधुनिक हैं, उनसे बचकर जाना बेहद असंभव है। या तो किसी की मिलीभगत है या फिर घोर लापरवाही है, क्योंकि एक रूटीन प्रोसेस हो जाता है
सुरक्षा जांच करने का और जिसमें लापरवाही बरती जाती है। अब से पहले भी जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो लापरवाही बरती गई उसके नतीजे में हुई है। जिस समय ये प्रदर्शनकारी या जो भी लोग हैं, जो जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे, बेसिकली इनका मकसद संसद भवन के अंदर ये अपना मैसेज पहुंचाना था या आतंक फैलाना था, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो इनकी घटना इन्होंने की है उससे कहीं ना कहीं आतंक जैसा माहौल, भय जैसा माहौल जरूर पैदा हुआ है। और ये सिलेंडर जो अंदर लेकर गए हैं इसमें मेटल का नोजिल होगा या फिर मेटल की बॉडी होगी जो कि मेटल डिटेक्टर ने 110% डिटेक्ट किया होगा। तो सीधे तौर पर जिस समय उनके जूतों पर मेटल डिटेक्टर से जांच की गई होगी, की जाती है वैसे भी पूरी बॉडी पर मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है। मेटल डिटेक्टर गेट के अंदर से तीन बार विजिटर गैलरी तक पहुंचते कम से कम 2 से 3 बार मेटल डिटेक्टर टेस्ट से हमें गुजरना पड़ता है। और वहां तो पूरी बॉडी स्कैनर होती है जो आपको दूर से स्कैन कर लेती है। बिल्कुल सीधे तौर पर। और मेटल डिटेक्टर सिर्फ जो मेटल डिटेक्टर गेट है उनसे गुजरने के अलावा मैनुअली जो मेटल डिटेक्टर मशीन होती है उसे हेड सिर से लेकर और पैरों तक पूरे बॉडी की जांच की जाती है, जैसे कि आमतौर पर मेट्रो स्टेशन के अंदर भी की जाती है। और सीधे तौर पर जो सामान साथ में जाता है उसकी एक्सरे से डिजिटल इमेज भी चेक की जाती है कि इसके अंदर कोई ऐसा उपकरण तो नहीं जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैन है, जैसे कि पावर बैंक है या फिर चाबियां हैं और विजिटर्स के मोबाइल और तमाम ऐसी चीजें हैं, पानी की बोतल वगैरह, जो कि ले जाने पर पाबंदी है। ऐसी स्थिति में ये घोर लापरवाही का मामला है या फिर मिलीभगत का मामला है कि कहीं जो ये अंदर लोग गए थे इनको ये जो सिलेंडर है ये कहीं अंदर से किसी ने तो प्रोवाइड नहीं किया है। ये सारी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन इस चूक के लिए वो तमाम एजेंसियां जिम्मेदार हैं।